जिनका मैं बता रहा था कि हमारे मेहमान आने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, आपने मुझे इज्जत बख्श। प्रोडक्शन सेट करते हैं, फिर मैं आपको आगे के हालात दिखाता हूँ। डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हाउस। अच्छा दोस्तों, ये शूट से पहले के कुछ मामलात हैं। ये देखो, ये लाइटें वगैरह फिलहाल मैंने यहाँ रख दी हैं, बखूर जला था थोड़ी देर के लिए। अभी देखो कितनी मैसअप हुई हुई चीज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। बैकग्राउंड को जिस तरह से भी आएगा, हमारी प्रोडक्शन टीम आएगी पूरी, इसको सेट करेगी अभी। तो फिलहाल आज की जो गेस्ट हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं, बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी हैं। अभी ये मैं आपको उनसे मिलवाता हूं। बस भाई, जिनका मैं बता रहा था कि हमारे मेहमान आने वाले हैं, वो देखें, वो मेहमान हमारे आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, आपने मुझे इज्जत बख्शी, आप मेरी पॉडकास्ट में तशरीफ लेकर आए। अल्लाह खुश रखे आपको। इज्जत आपको नहीं बख्शी सर, ये आपका बड़ापन है कि आपने बुला लिया। अरे नहीं सर, और कोई किसी को इज्जत नहीं बख्शता, सिर्फ अल्लाह पाक बख्शता। जजाक अल्लाह। ये देखिए गाइस, सभी प्रोडक्शन टीम आ गई और हमारे मदनी उस्ताद, डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हाउस, मदनी का प्रोडक्शन हाउस का नाम क्या है भाई? यार कोई नाम तो नहीं है, बस जो नाम। क्या बात है, मदनी मदनी रजा प्रोडक्शन। मदनी माशाल्लाह अहमद भाई की प्रोडक्शन देखता है और अभी आने वाले, और रिजवान भाई की प्रोडक्शन देखता है और अब मेरी प्रोडक्शन भी देख रहा है, और आने वाले वक्तों में आपको पता चलेगा मदनी क्या क्या करता है। एक जगह नहीं है ये बंदा, ये एक जगह नहीं है, ये बहुत जगहों पे हाथ डाल के बैठा हुआ है। मदनी रात को सोया था तू? यार बड़े असल में काम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, डिजिटल पे हर किसी को आना है उमर भाई, तो अभी जो है ना वो तो अब काम हमारा बढ़ गया है बहुत ज्यादा, तो अब डेली जो है ना वो तीन तीन चार चार पॉडकास्ट चल रही है। हाँ हाँ, वो भी एक जगह से, एक मतलब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम पॉडकास्ट के साथ आ रहा है, मतलब ऐसा नाम कि इंडिया पाकिस्तान का दोनों का बहुत बड़ा नाम है, तो उसका भी सारा मामला मैं ही देख रहा हूँ, सारी पॉडकास्ट वगैरह उनकी सारी चीज़ें। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर प्रोडक्शन सेट करते हैं, फिर मैं आपको आगे के हालात दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, कुछ इस तरह से ये सेटिंग हो जाती है और यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, ये लाइटें शाइटें इस तरह से हमने सेट कर ली हैं। अभी सेट उमर भाई, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पब्लिक को मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, अभी सेट और बनेगा इंशाल्लाह, समझ रहे हैं? इंशाल्लाह। तो बस ये कि उमर भाई की मोहब्बत में जागता हुआ आ गया हूँ। मैंने चाय बनवा ली, मैंने कहा भाई मैं पहले आते ही चाय पिला दो उमर भाई, ताकि दिमाग चल जाए मेरा। चाय आ रही है गाइस, और माशाल्लाह व्लॉगिंग भी चल रही है और पॉडकास्ट भी चल रही है, तो कुछ नहीं पता क्या चल जाए क्या चल जाए। और उसके बाद एक चीज और दूंगा आपको, कुकिंग भी करें अब आप, शेफ भी बन जाए, यकीन करें। तीसरा चैनल ये बता दो, जो मिल रहा है करो उमर भाई, जो मिल रहा है आजकल यही है भाई, जो कंटेंट मिल रहा है कुछ भी करो, बस करो यार। चले भाई शुरू करते हैं यार, कंटेंट शुरू करते हैं अपना। चले भाई, माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से हमारी पॉडकास्ट आज की रिकॉर्ड हुई और बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया मैंने। अभी प्रोडक्शन हमारी ऑलमोस्ट पैकअप हो गया है। और रिजान भाई आपको कैसा लगा, मज़ा आया आपको, आपके क्या तासुरात हैं? यार उमर भाई बिल्कुल मजा आया, मैं थोड़ी सी लोकेशन यहाँ पे आके बात करूंगा, वहाँ पे बैठ के इंट्रो दिया था ताकि व्लॉग में सेम नहीं आना चाहिए, सेम नहीं आना, हर एंगल चेंज हो, तो मैं ये कहना चाहूंगा बहुत मजा आया उमर भाई, बहुत नया था और माशाल्लाह सवालात आपने बिल्कुल यूनिक लिखे हुए थे, ये अच्छी बात है। मैं ये कहता हूँ कि जहाँ पे भी मैं जाऊँ ना इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे सवालात अलग अलग हों, ताकि मजा आए बात करने में। तो इंशाल्लाह जब ये आएगा तो मुझे बताइएगा, और जितने भी लोग ये व्लॉग देख रहे हैं और जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैंने एक बात हर वीडियो में हमेशा कहता हूँ सबकी, कि जहाँ जहाँ ये मेरा आपको थोबड़ा दिखे ना, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और उसको लाइक कमेंट लाजमी किया करें। क्या बात है, थैंक यू। आओ भाई, आपकी चाय जरा ठंडी हो गई है। चाय तो मैं उमर भाई मैं बोल रहा हूँ उसमें क्यूब्स डाल दो, अब नहीं नहीं उमर भाई सही है, डन है, मैं ठंडी पीता हूँ। नहीं नहीं यार, मैं मंगवा रहा हूँ अभी, समोसे वगैरह ऑर्डर कर रहा हूँ, समोसे के अलावा और क्या बताइए, और क्या चलेगा भैया? है भाई, अब यार आपने समोसे बोले थे मुझे, लेकिन मैं कुछ और भी करता हूँ। चलो यार, मेकअप के बाद ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, रिफ्रेशमेंट की थिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो करना हो कर दो भाई, मुझे नहीं पता, इसको आप सब्सक्राइब करो शेयर करो लाजमी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।